हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी चीज़ ना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.14 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पिछले वीडियो तक जो है वो यानी 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ये देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, ये रिकॉर्ड भी हो चुका था, लेकिन किसी कारण जो है वो यानी कि जो है वो हमसे जो है ये वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था, यानी कि ये वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था। डिलीट हो गया तो इसीलिए ये जो बना हुआ है आपको हम समझा देते हैं, आप जो अगर यानी कि समझ जाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर से जो है वो उन पर हम देखेंगे, तो फिर से इनका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यानी गिवन आई इक्वल टू जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे साइन के पावर 4x प्लस ये कोस के पावर 4x, ये जो है वो गिवन दिया हुआ था, ठीक है। ये हम गिवन लिख दिए हैं, तो ये गिवन लिख लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में जो है वो आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में जो है 3 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए इनको जो है वो आपको हम समझाते हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे में क्या किए हैं, आई इक्वल टू देखिए सॉल्यूशन आई इक्वल टू जो है वह हम नीचे जो है वह इसमें से और इसमें से जो है वह दोनों में हम कोस के पावर 4x जो है वह ऊपर से हम कॉमन ले लिया, तो ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे नहीं है, तो इसके नीचे में आ जाएगा साइन के पावर 4x बटे कोस के पावर 4x प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो 1 बटे ये देखिए ये कोस के पावर 4x यहाँ पे है, तो 1 बटे कोस क्या होता है सेक होता है, तो सेक के पावर 4x हो जाएगा। तो यही जो है वह कोस के पावर 4x ऊपर चल गया, तो ये सेक के पावर 4x dx बच गया। और यहाँ पे देखिए साइन बटे कोस तो 10 होता है, तो 10 के पावर 4x और ये प्लस 1 है, तो ये 1 हो गया। अब देखिए ये sec के पावर यानी कि ये देखिए ये जो है sec के पावर 4 है, तो इसको हम यही से लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर sec के पावर 4 हो जाएगा। और नीचे में 1 प्लस 10 के पावर 4 है, तो ये 10 के पावर 4 दे दिए और dx। अब देखिए ये जो है वो tan इक्वल टू हम t पुट कर दिए, t काहे पुट कर दिए क्योंकि अगर इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर आता है, ऊपर में देखिए sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर दिख रहा है, तो t इक्वल टू हम tan x पुट कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बटे dx इक्वल टू tan x का क्या होता है, इसका होता है sec स्क्वायर x, तो tan x का sec स्क्वायर x हो गया, तो dt का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, कितना आएगा तो sec स्क्वायर x dx आ गया, ये इतना आ गया। तो अब हम कोई चांस चलते हैं, ये देखिए sec स्क्वायर x dx के स्थान पे जो है वो हम क्या dt रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, तो इसके स्थान पर ये हम dt दे दिए और ये sec स्क्वायर x बच गया, तो sec स्क्वायर x के बदले में हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। अब देखिए हम t इक्वल टू tan x पुट किए थे, तो ये 1 प्लस t स्क्वायर बटे ये 1 प्लस t पावर 4, यहाँ तक समझने में जो हुआ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ऊपर से हम टी स्क्वायर नीचे टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1, यानी कि ये टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है तो इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस यहाँ जो है वह यानी कि यहाँ पे नहीं है तो ये 1 बटे टी स्क्वायर, ये यहाँ तक हो गया। देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो बच गया 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बटे ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये इतना बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये देखिए ये नीचे वाला है उसको जो है वो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ऊपर में देखिए ये प्लस में है तो नीचे माइनस में बनाइए, अगर नीचे ऊपर में अगर माइनस में रहेगा तो नीचे जो है वो आप प्लस में परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, तो ऊपर प्लस में है तो हम नीचे में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी का स्थान पर 1 बाई टी, तो ये 1 बाई टी, तो देखिए ये टी टी काट देंगे तो इसमें हम यानी कि माइनस 2 है, यानी कि ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी का स्थान पर 1 बाई टी, तो ये 1 बाई टी का होल स्क्वायर। अब देखिए टी टी कैंसिल, तो ये देखिए 2 को 1 सुना करेंगे तो 2, इसमें 2 यानी कि हम घटाए हैं तो इसमें ऐड कर देंगे, तो देखिए ये और ये कट जाएगा तो ये बचेगा, इतना ही नहीं बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 हो गया। तो अब देखिए ये जो नीचे में है इसको जो है वो आप पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा तो ऊपर में इनका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी हम पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी जेड यानी जेड का हो जाएगा डी जेड बटे डी टी, और इसका टी का हो जाएगा कितना ये 1 और ये माइनस 1 बाई टी का हो जाएगा माइनस यानी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ये डी टी को इधर भेज देंगे तो ये डी जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी, ये इतना हो गया। अब देखिए ये इतना के बदले में ये देखिए ऊपर बदले में हम डी जेड लिख सकते हैं, तो डी जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस ये देखिए ये जो है 2 है तो इसको हम रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे जो है वह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारा आई इक्वल टू 1/√2a टेन इनवर्स जेड बटे रूट टू प्लस सी। अब देखिए जेड के स्थान पर वैल्यू हम रख देंगे तो ये वैल्यू हम रखे टी माइनस 1/t, और ये टी के स्थान पे जो है वो हम वैल्यू रख दिए क्या, तो ये देखिए इसका एलसीएम सब लिए तो सिंप्लीफाई किए तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वह टी इक्वल हम रख दिए यानी कि टेन एक्स, तो जो आया है वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका फोर नंबर ये इतना ही था। अब फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन गिवन आई इक्वल टू कोस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो ऊपर इक्वल टू हम लेट कर लेंगे कोस एक्स इक्वल टू ए इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस ये बी इंटू ये हम ये नीचे वाला जो है वो हम पुट कर दिए। अब देखिए इसको हम ए से यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो हमें ये इतना आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये और ये टर्म जो है साइन कॉमन और ये और कोस कॉमन मिला है, तो साइन और कोस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी आएगा और यहाँ पर ए प्लस बी। अब साइन एक्स कोफिशियंट और कोस एक्स के इसको हम जीरो इंटू वन यानी एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोस एक्स है तो कोस एक्स। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, यानी दोनों तरफ जो है वह साइन एक्स और कोस एक्स के जो कोफिशियंट है उसको जो है वो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसको फर्स्ट नाम दे दिए, और ये ए प्लस बी इक्वल टू जो है वह यानी कि ये कोस वाला कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू वन हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर दिए, तो ऐड कर देंगे यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो ऐड कर देंगे तो बी बी कैंसिल, तो टू ए इक्वल टू माइनस ए बाई टू हो गया, और ये देखिए ए बराबर बी है, ये इस साइड भेजेंगे तो ए बराबर बी हो जाएगा, ये बी का भी वैल्यू 1/2। अब देखिए 1/a का भी वैल्यू, बी का वैल्यू हम फर्स्ट में रखते हैं।